अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सब क्या है बुआ जी? जब तेरा सारा ध्यान ध्रुव और उसकी बहन पर था, तब मैंने ग्वालियर और आसपास के शहर के सभी अमीर घरों में हमारी उन्नति के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। और हमें इतने सारे परिवारों से जवाब आए। जी ये सब क्या है? शादी का प्रस्ताव मैंने बहन के लिए भेजा और रिश्ते का प्रस्ताव लौट कर आया है भाई के नाम का। जैसे ही दुनिया को भनक पड़ी कि सूर्यवंशी परिवार रिश्ता ढूंढ रहा है, तो राघव सूर्यवंशी के लिए तो रिश्तों की बारिश होने लगी, लेकिन उस बारिश की एक भी बूंद हमारी उन्नति के हिस्से में नहीं आई। मेरी बात समझने की कोशिश कर, ध्रुव ही वो इकलौता लड़का है जो हमारी उन्नति का हाथ थामेगा, इसलिए सब कुछ भुला कर तू तो खुशी खुशी उन दोनों की शादी कर दे। बुआ जी प्लीज। राघव, मैं जानती हूं तुझे हारना पसंद नहीं है, पर तू एक बहन का भाई है। गुस्सा आने पर रुकना और बहन के लिए झुकना, ये तुझे सीखना होगा बेटा। जिस तरह वो शगुन के बड़े बड़े थाल लेकर मेरे घर में आ धमका था, मैं तो खुद हैरान हो गई थी सर। कहने को तो राघव सूर्यवंशी इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक, और सोच इतनी सी, उसे बीवी नहीं चाहिए, उसे गारंटी कार्ड चाहिए, और वो भी वो पुरानी घिसी पिटी प्रथा के नाम पे आटा साटा। जरा सोचिए सर, उन बेचारी लड़कियों का क्या हुआ होगा जिन्हें जबरदस्ती शादी करनी पड़ी होगी, कितनी मजबूरी में उन्हें अदला बदली वाली शादी करनी पड़ी होगी, और आटा साटा आजकल कौन करता है आटा साटा सर? Listen, you need to calm down. Even I'm surprised कि आजकल भी होते हैं क्या ऐसे रिश्ते? खैर, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? नहीं सर, मैंने उसे ऐसा जवाब दिया है ना, दोबारा कभी देखेगा भी नहीं मेरे घर की तरफ। पर मेरी भड़ास सुनने के लिए थैंक यू। शबरी भैंस ही सही, ये गर्ल एक न्यूज रिपोर्टर है, काउज़ ऑफ फेलोज़ भी न्यूज करती है। अच्छा, वो इसने राघव से शादी करने के लिए मना कर दिया। हाँ, वरना पूरे घर में सिर्फ गोबर के उद्दू फैल जाते। और इसके नॉन ब्रांडेड कपड़े तो देखो, सी हैशटैग नॉट कूल। इसके कपड़े नहीं, इसकी हिम्मत देखो दिव्या। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो सीधा कूद पड़ती इस रिश्ते पर इसने आटा साटा के नाम पर सौदेबाजी से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल सही कहा, बकवास करने के और चुगली करने के पैसे नहीं मिलते, और ये काम तुम सब लोग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो। माँ, हम तो बस बात कर रहे थे कि उन्नति पे क्या बीत रही होगी, एक नहीं बल्कि दो दो रिश्ते टूटे हैं उसके। पर वैसे भी राघव भैया को ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए थी उन लोगों के सामने। मुंह बंद रखो अपना, मैं तुम सबसे अपने राघव के लिए बुराई सुनने नहीं आई। प्रतीक, वीरेन, ये जो लड़की है ना रीत चौधरी, इसके बारे में सारी जानकारी निकालो ताकि मैं राघव से उसकी जिद तोड़ने में कामयाब हो सकूं। एक दूसरे का मुंह क्या दिख रहे हो? अरे हाँ, वो इशारा जो समझदार के लिए काफी होता है, वो तो तुम दोनों को कभी समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं साफ साफ कह रही हूं, ध्रुव ही वो लड़का है जो हमारी उन्नति का हाथ थामेगा। मैं नहीं चाहती कि वो भी इस रिश्ते से अपना हाथ पीछे खींच ले। समझ में आई बात? मम्मी जी, मेरा फोन है। पता है मुझे। मिल जाएगी माँ, आपको इस रीत चौधरी की पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी।
हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो आप अपनी बहन की खुशियों के लिए कोई दूसरी दुकान ढूंढ लीजिए। मिस्टर राघव सूर्यवंशी, अगर आप इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना, तो भी मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। और दोबारा कभी मेरे भाई पे हाथ उठाना तो दूर, आंख उठाकर भी देखा ना तो पूरा ग्वालियर देखेगा कैसे रीत चौधरी आपकी सोने की लंका को आग लगाती है। ये ले राघव, मिठाई का। अरे इतनी कैलोरीज बर्न कर ली है आपने, तो थोड़ा मीठा तो खा सकते हो भाई आप। और फिर ये कैलोरीज वाली मिठाई नहीं, ये बधाई वाली मिठाई है। उस 2% की घटिया रिपोर्टर ने तेरा रिश्ता ठुकरा दिया, उसकी बधाई। मिस्टर राघव सूर्यवंशी, आपसे शादी नहीं करूंगी। एक इंटर्न रिपोर्टर है वो लड़की, छोटा मोटा सा लोकल न्यूज चैनल है, आपकी आवाज उसमें। चाचा इंश्योरेंस पॉलिसी बनाकर थोड़े पैसे कमा लेता है, पर घर का ज्यादातर खर्चा वही उठाती है। रोटी कमाते दो हैं, पर खाने वाले मुंह बहुत सारे, ऊपर से उसका बाप भी नहीं। और जिस मकान में वो लोग रहते हैं उससे भी कोई डिस्प्यूट चल रहा है। बाकी पूरे दिन एक फालतू से कैमरामैन के बाइक के पीछे बैठ के सच को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। अच्छा हुआ नहीं मानी वो, वरना शादी के बाद पति पत्नी की जगह मालिक और नौकरानी की जोड़ी लगती तुम्हारी। अब मेरी बात मान, उन्नति की शादी ध्रुव के साथ कर दे, और अपने लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ जो इस घर पे सेट हो सके तेरे साथ, समझा? बुआ जी, शादी की तैयारी कीजिए। रीत मान गई? मान जाएगी, मिट्टी तो है, कितना उड़ेगी। जिस दिन हवा बंद करूंगा जमीन पर आ गिरेगी। आप शादी की तैयारी कीजिए। क्या हो गया है इसे? ऐसा क्या बता दिया तुम दोनों ने? वही जो आप चाहते थे माँ, उस रीत की पूरी कुंडली हमने भाई को सुना दी। ये राघव के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे, पता नहीं अब क्या करने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन रीत। कॉन्ग्रेचुलेशन रीत। कॉन्ग्रेचुलेशन रीत। कॉन्ग्रेचुलेशन रीत। कॉन्ग्रेचुलेशन रीत। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, पर कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए? इसलिए मैम। ये क्या है? किसने किया ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? किसने दिया आपको ये कार्ड? राघव जी ने। वो खुद आए थे और उन्होंने हम सबको उनकी और आपकी शादी में आने का न्योता देकर गए हैं। कंग्रेचुलेशन मैम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।